तो ये सब टेबल ऑफ कंटेंट है। रिकॉर्डिंग में बता देता हूँ कि आगे आप लोग हेल्प करेगा। तो यही चीज है, 90% साइकोलॉजी पे फोकस करेंगे, 10% एनालिसिस। तो ये दो टाइप के ट्रेडर जो होते हैं, आप लोग मेरे को बताओ आप लोग को कौन सा टाइप के ट्रेडर आप बनना चाहते हैं। कोई नहीं, ऑनेस्टली पहले आप क्या सोचते थे ये भी मेरे को बता सकते हैं कि मेरे को बहुत जल्दी बहुत कुछ कमा लेना है। ये कितने लोग सोचते थे मेरे को बताओ। मैं आया हूँ आज 10,000 लेके आया हूँ कि 1 लाख लेके आया हूँ, मैं इसको 2 लाख 1 महीने में करके जाऊंगा। मैं स्टार्टिंग से सोच, मतलब जब भी तो आप ट्रेड करने आते हो स्टार्टिंग में यही सोचते हो कि पर डे मेरा 3,000 इनकम होगा, 1 महीने में 90,000 रुपीज, वाह मैं तो एक दिन में अमीर बन जाऊंगा। कितने लोग ये सोचते थे सच बता। मैं आऊंगा फर्स्ट, मतलब आपको कैलकुलेशन स्टार्टिंग में, जब ट्रेड में स्टॉक मार्केट में आए पूरा स्टार्टिंग से कैलकुलेट कर लिए, 5,000 पर डे, 20 दिन में 1 लाख हो गया, दैट्स इट। मैं तो पैसा बना लिया, बहुत पैसा बना लिया। ये था कि नहीं? यस। तो पॉइंट इज दैट कि लोग ये चीज है नहीं, ये स्कीम जो है ना, स्कीम है ही नहीं। टेलिंग यू द ऑनेस्ट थिंग गाइस, फैक्ट थिंग बता रहा हूँ, ये ऑनेस्ट स्कीम है ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारे कोई स्टॉक मार्केट में होते, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी टाइप वन में आते, वो लोग कोई नहीं चाहता है। टाइप टू ही सब कुछ है जो कि एक सोर्स ऑफ इनकम धीरे धीरे होगा। बोलते हैं ना, फोकस ऑन योर प्रोसेस नॉट ऑन योर प्रॉफिट्स। जब प्रोसेस सीख जाओगे, आज नहीं कमाओगे कल नहीं कमाओगे, लेकिन जिंदगी भर कमा सकते हो, ठीक है, आगे कमा सकते हो, पूरा फॉर द होल लाइफ कमा सकते हो। लेकिन जो लोग प्रॉफिट के चक्कर में रहते हैं, वो लोग जल्दी ही खत्म हो जाता, मार्केट में टिक नहीं पाएंगे बोलो, ठीक है। सस्टेन करना जरूरी है, ज्यादा टाइम तक सस्टेन करना जरूरी है। 15 दिन में काम खत्म कर, खत्म नहीं करना, जितना देर तक रहना है, ठीक है। दिस इज द थिंग, रिकॉर्डिंग ऑन है ना ये? यस, रिकॉर्डिंग ऑन। तो हम लोग कैसे इसको इग्नोर करेंगे और क्या क्या करना चाहिए हम लोग को, ये चीज तो भाई, ये सब चीज याद रखो गाइस, ऑल दीज थिंग्स आर ट्रैप्स, आई हेट दीज थिंग्स। आप लोग को भी ये सब चीज से दूर रहना, दूर मतलब आंख बंद कर देना, सारा चैनल को डिलीट कर, सारे जितने भी चैनल में हो गए आप डिलीट करो। ऑल दीज आर टोटली ट्रैप्स, ओके, टोटली ट्रैप्स। एंड ऑफ द मंथ में, एंड ऑफ द डे में यू विल बी इन जीरो, आई एम गिविंग यू द गारंटी थिंग, ओके। द पॉइंट इज दैट कॉल्स एंड टिप्स बताऊंगा वो किस लिए है, ओनली फॉर द कंफर्मेशन, उसमें प्रॉफिट नहीं बना जा सकता, ओके। यू शुड हैव अ स्ट्रेटेजी, यू शुड नो दैट कि वेयर मार्केट विल गो अप और डाउन। देन ओनली अगर कोई आपको बताता है येस दैट विल कॉल्स बता रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा, देन ओनली कंफर्मेशन के लिए यू कैन टेक। बट कॉल्स, टिप्स, अकाउंट मैनेजर, मैनेजमेंट, इसी में ही लोग अकाउंट खत्म करते हैं, उसके बाद स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग बोली जाता है, क्योंकि ये शॉर्टकट है, लोग को शॉर्टकट चाहिए ना। पर डे 3,000 रुपया, 1 महीने में 90,000 रुपीज, वाह। वो भी वही बोले होंगे आपको, जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे ग्रुप में, वही बोलेंगे पर डे 5,000 रुपीज, 20 दिन में 1 लाख रुपया, चलो पैसा बन गया, ठीक है। ऑल दीज आर ट्रैप्स, तो ये सबको दूर खत्म करना है। इसमें आप लोग को वही चीज है, साइकोलॉजी हम लोग फॉलो करेंगे टोटली। इस पर फर्स्ट पॉइंट है, इसीलिए फर्स्ट में लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजी प्रॉपरली फॉलो करेंगे, लर्न ए प्रूवन स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी सीखेंगे, ठीक है। नॉट हियर फॉर डेली इनकम और प्रॉफिट। जो लोग अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो लोग 20 दिन ट्रेड नहीं करते, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट गाइज। जो लोग अच्छे ट्रेडर्स हैं वो लोग कभी डेली इनकम के लिए चक्कर में नहीं आते हैं। वो लोग जब भी उनका सेटअप आता है, उनका सेटअप एक अच्छा मूवमेंट उनको दिखता है कि आज ऐसा मूवमेंट होने वाला है, बिकॉज इट हैज गिवन माई रेजिस्टेंस, इट हैज ब्रोकन माई रेजिस्टेंस सपोर्ट, देन आई कैन होल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं, ज्यादा पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। तभी ट्रेड करोगे, 20 दिन में 5 दिन मिले लेकिन इतना पैसा बना होगा कि 20 दिन का पैसा निकल जाएगा, लेकिन डेली ट्रेड करके क्या फायदा, अगर लॉस ही करना है तो, ठीक है। ये तीन चीज को जो जो मैं बताते जा रहा हूँ लिखते जाओ। फर्स्ट है साइकोलॉजी फॉलो करेंगे, प्रूवन स्ट्रेटेजी सीखेंगे, नॉट हियर फॉर डेली इनकम एंड प्रॉफिट्स। जो लोग डेली चक्कर में रहते हैं, दैट इज दे आर एग्रेसिव ट्रेडर्स, उनको हर मिनट पे चाहिए, हर 10 मिनट पे ट्रेड चाहिए। ओ माई गॉड, 15 मिनट हो गया अभी तक ट्रेड नहीं मिला, ओ शिट, जा ले लेते हैं एक ट्रेड ले लेते हैं, चल वो खत्म, पैसा खत्म, ठीक है। वो सब चीज नहीं करना, ओके। ये सब चीज गाइस राइट इट डाउन, अभी लिखो इसको अपने वॉल पे, अगर जहां पे ट्रेडिंग कर रहे हो अपने वॉल पे इसको चिपका देना, नहीं तो जब भी ट्रेड करने जाओगे इसको पहले देखोगे, उसके बाद ट्रेड करने जाओगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये साइकोलॉजी के ऊपर है, ये पॉइंट सब बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी। पहले पढ़ के जाके ट्रेड करना। सी, फर्स्ट पॉइंट है, यू शुड नॉट ट्रेड व्हेन यू आर हैप्पी और सैड। जब बहुत खुश हो तब ट्रेड नहीं करना, जब बहुत सैड हो तभी ट्रेड नहीं करना।
वो क्या मतलब है, जब आप बहुत खुश हो गए आपको लगेगा कि एवरी ट्रेड विल बी माई प्रॉफिटेबल ट्रेड, वो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप हर ट्रेड में लेने जाओगे कि आपको लगेगा मैं तो खुश हूँ आज, मतलब जो ट्रेड लूंगा वो हो जाएगा, दो ट्रेड लोगे तीसरे ट्रेड में लॉस हो जाएगा, आपका जो हैप्पी मूड है वो सैड हो जाएगा, ठीक है, फिर सैड जब हो जाएगा आप रिवेंज लेने की कोशिश करोगे, मूड खराब हो जाएगा, लॉस हो गया मैं चलो इसको रिवेंज लेता, वो नहीं करना गाइस, यू शुड नॉट ट्रेड व्हेन यू हैप्पी और सैड, जब खुश हो बाहर घूमो, सैड हो ट्रेड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्नल योर इमोशंस वाइल ट्रेडिंग, इमोशंस को लिखो, नहीं कि यहाँ पे ये नहीं लिखो कि आई हैव टेकन एंट्री एट दिस पॉइंट, माई स्टॉप लॉस इज दिस, ये सब नहीं लिखना है, वो तो ऑर्डर बुक में मिल जाएगा आप लोग को, आप लोग को इमोशंस लिखना, मतलब क्या है, वट यू आर फीलिंग दैट टाइम, क्या फील क्या कर रहे हो उस टाइम, आर यू फीलिंग स्केयर्ड, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट, क्या फील कर रहे हो, क्या मेरे को कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है दूसरे जगह से, कोई डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, ये सब चीज जो जो पॉइंट्स आ रहा है, जो जो दिमाग में आ रहा है वो लिखो, कि अच्छा मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट दो जगह से मेरे को इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, अच्छा मैं यहाँ पे एंट्री इसलिए ले रहा हूँ, या मेरे को कोई कहाँ से मैं देख लिया, कोई मेरे को बता दिया इसलिए ट्रेड ले रहा हूँ, जो फील हो रहा है वो लिखो, क्यों, क्योंकि जब एंड ऑफ द डे में, एंड ऑफ द वीक में जब रिव्यू करोगे तुम्हारा गलती तुमको दिखेगा, ये नहीं कि मैं एक स्ट्रैटेजी सिखा दी, मैं ऑनेस्ट बात बताता हूँ, मैं स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ तो कल से जाकर प्रॉफिट नहीं बना दोगे, उस पर प्रैक्टिस करना जरूरी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना जरूरी है, जो लोग सोचते हैं मैं तो स्ट्रैटेजी सीख लिया कल जाऊंगा पैसा लगाऊंगा 1 लाख फिर 10 लाख निकल जाएगा, वो नहीं होने वाला गाइस, वो नहीं होगा, मैं ऑनेस्टली बताऊँ नहीं होगा, पहले चीज है प्रैक्टिस, तुम गलती करोगे ये तो गारंटी है, गलती करोगे वो गलती को सुधारना ही मेन जरूरी है, तो इसलिए हर पॉइंट को लिखो कि जो गलती करोगे वो सुधारना, ठीक है, हर डे, हर डे चाहिए, एवरी डे गाइस अपने इमोशंस को लिखो। एक एक बंदा है विकी करके, वो जुलाई या जून बैच के हैं शायद, ठीक है, वो उनका एक दो महीना, वो एक महीना एटलीस्ट वो ट्रेड नहीं किए थे, बिल्कुल ट्रेड नहीं किए थे, वो टोटली पेपर ट्रेड किए हैं और इमोशंस पे लिखते थे अपना, ठीक है, मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूँ ये नहीं कर रहा, बिलीव मी 1.5 मंथ्स के बाद वो टोटल ट्रेड करने शुरू किए, एक लॉट में या दो लॉट में ट्रेड करना शुरू किए, और ऐसा बोला जाता है कि वो बोलते हैं कि मैं अभी तक सर दो ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है मेरा, एक डेढ़ 1.5 मंथ्स में, मतलब अभी तक जून में जुलाई में ज्वाइन किए थे, मतलब उसका 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कितना ट्रेड लिया है पता नहीं, ठीक है, तो इस हिसाब से उसका दिमाग कैसे स्पीड में चलता है, सोचो टोटल मंथ में 2 स्टॉप लॉस, मतलब इतना कॉन्फिडेंट वो बिल्ड करके, फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली, ये मैं बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट जो बताऊंगा, क्लोज योर चार्ट आफ्टर 2 स्टॉप लॉस हिट, ये भी रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा, लेकिन ये सब लिखते जाओ, 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ चार्ट क्लोज, वहां पे नहीं बैठना है, ये मत सोचो 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया चलो एक काम करता हूँ, पहले तो 1 स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसके बाद जो जो दूसरा एंट्री लोगे वो तुम कॉन्फिडेंट फील करो, रैंडम नहीं कि रिकवर के चक्कर में एंट्री मत करो, तुमको पता होना चाहिए तुम एंट्री क्यों कर रहे हो, 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ चार्ट क्लोज खत्म करो, ठीक है, जितना तुम रिवेंज लेने की कोशिश करो उतना पैसा डूबते जाएगा, ठीक है, क्लोज योर चार्ट व्हेन यू गेट ए गुड प्रॉफिट, ज्यादा ग्रीड करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा लगा आपका प्रॉफिट कुछ अलग था, देन यू स्टॉप स्टॉप इट, यू क्लोज योर चार्ट, ओके, डोंट एंटर एनी ट्रेड इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, अगर कॉन्फिडेंट फील नहीं करो ट्रेड नहीं करने की जरूरत नहीं, डोंट लिसन टू, ये वाला बहुत जरूरी है, डोंट लिसन टू एनी न्यूज व्हाइल ट्रेडिंग, जब भी ट्रेड करोगे कोई भी न्यूज को देखने जरूरत नहीं, किसी से ही बात मत करो, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ मैं अकेले अपने एक रूम से ट्रेड करता हूँ, मेरे को कहीं से नॉइज नहीं चाहिए, एक नॉइज भी नहीं चाहिए, कहीं डिस्टर्बेंस नहीं, नो फोन साइलेंट सब साइलेंट, मेरे को एक जगह से साउंड नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस होते हैं, माइंड डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, फुल्ली फोकस्ड ऑन योर चार्ट, बस क्यों ट्रेड कर रहे हो वो होना चाहिए, कोई बता दे रहा है यहाँ से बाय करो, तुम सोच रहे हो ऊपर जाएगा, कोई और बोल दिया नीचे जाएगा, तुम वहीं पर कॉन्फिडेंट दिमाग खराब हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, उसके बाद तुम सोचोगे यार शिट मैं ट्रेड गलत कर दिया, ठीक है, न्यूज को देखना है, कोई न्यूज को देखने जरूरत नहीं है, घर पे किसी से बात करने जरूरत नहीं है, फोन पे बात करने जरूरत नहीं है, सिंपल चार्ट पे लो एंट्री करोगे चुपचाप बैठो, क्यों एंट्री हो कब एग्जिट करोगे फोकस करो, लीव द फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो होता है लोकल मार्केट ऊपर जा रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है, आपको लगता है कि ये बहुत लोगों के साथ होता हुआ, जब मार्केट ग्रीन में बनते जा रहा है आप लोग अभी ग्रीन कैंडल बन गया और एक ग्रीन कैंडल बन जाओ, वहां पे एंट्री करोगे मार्केट वहीं से रिवर्स होता है, होता है कि नहीं, कितना लोगों के साथ ये चीज हुआ है बताओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ग्रीड के चक्कर में ओवर ऊपर जाएगा करके ले लेते हो एंट्री, हुआ है जिन लोग के साथ हुआ है, बस टाइप मी ओके, ताकि मेरे को देखे, मैं देखूं आप लोग के साथ भी करते थे कि नहीं, आप लोग
ओके गाइस, जो लोग यहाँ पे हो मैसेज तो आप पूरा एक्टिव रहो, जो मैं बोल रहा हूँ एक एक करके रिप्लाई भी दो कहीं, क्योंकि उससे क्या होगा आप लोग पता चलेगा कि आप लोग कितना ध्यान दे रहे हो, ठीक है। और डेली मेडिटेशन करो, ये आप पे डिपेंड करता है, इसमें माइंड थोड़ा शांत रहता है, क्योंकि इससे माइंड इसलिए शांत रहता है, बोला जाता है 90% साइकोलॉजी है, तो शांत नहीं रहेगा तो ट्रेड कैसे करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज को लिख लिया पहले गाइस, लिखने के बाद टेल मी डन, उसके बाद हम लोग जाएंगे। स्क्रीनशॉट मत लो, स्क्रीनशॉट आप कभी नहीं देखोगे, मैं बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट आप कभी नहीं देखोगे, लिखो, लिखने के बाद मेरे को बताओ डन, देन आई गो टू नेक्स्ट पॉइंट, ओके ओके गाइस। ये आप लोग तो फर्स्ट लेक्चर जो भेजा हूँ वो जाके देखो गाइस, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे हाई लो क्लोज, हाई क्लोज ओपन, ये सब चीज समझेंगे, और डे हाई डे लो, ये दो चीज है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट रीटेस्ट रिवर्सल वो आपको फर्स्ट लेक्चर में मिल गया होगा, आई होप मिला था फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मिल गया था ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट रीटेस्ट रिवर्सल, यस ओके ओके ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं सिंपल डे लो डे हाई क्या होता है, पहले देख लेता हूँ क्या क्या कंटेंट है इसमें। थैंक यू अमला, ओके ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि एक कैंडल का हम लोग पूरा कैंडल क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि आप लोग हेल्प करेगा वो सब चीज, ठीक है। कैंडल का हाई कहाँ होता है, जहां तक मार्केट गया होगा, ठीक है, ऐसे ग्रीन कैंडल मानते थे, मान के चलते ग्रीन कैंडल ऐसे बन के ऊपर जा रहा है, ठीक है, जहां से जाके वो रिटर्न आता है, वो डोजी बनाए कुछ भी बनाए, आप लोगों को भी मैसेज गया होगा कि क्लास शुरू होने से पहले आप लोग ये सब चीज बेसिक्स देख लो, आप लोग डोजी क्या है, कैंडल क्या है, आपको मैसेज गया होगा, आप लोग देखे होगा ये हो, ठीक है। तो वही चीज है गाइस, जहां तक मार्केट गया है उसको हाई लेंगे, जहां तक मार्केट जहां सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट है उसको हम लोग लो लेंगे, सिंपल मेथड है, तो चार्ट पे देखते हैं तो समझ में आपको क्लियर आ जाएगा। सबको टाइम फ्रेम के बारे में पता है, कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए, टाइम फ्रेम क्या होता है सबको पता है गाइस, यस। मेजोरिटी क्या बोलते हैं मैं जानना चाहता हूँ, सबको टाइम फ्रेम के बारे में पता है सबको, ओके। तो गाइस जैसे हम लोग मान के चल, अच्छा सुनो भी है देखो, ओके ठीक है, नॉर्मल कुछ नहीं है गाइस, सिंपल मेथड है। टाइम फ्रेम मतलब हम लोग देखो, टाइम फ्रेम मतलब सिंपल है, हम लोग जो भी टाइम फ्रेम चूज करेंगे, जो भी टाइम फ्रेम चूज करेंगे उसका मतलब है वो टाइम फ्रेम चूज करते हैं, मतलब वो एक कैंडल बनने में उतना टाइम लग रहा है, ठीक है। मैं अगर डे टाइम फ्रेम चूज कर रहा हूँ, देखो हर दिन मैं ट्रेडिंग व्यू चूज करता हूँ गाइस, ट्रेडिंग व्यू में फीचर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत कुछ आप लोग को ईजी होता है सब चीज एक्टिवेट करने में, ओके। तो डे टाइम फ्रेम में चूज कर रहा हूँ मतलब एक कैंडल बनने में डे एक डे लग रहा है, ठीक है। अगर मैं 1 डे 1 आवर चूज कर रहा हूँ तो मेरे को एक कैंडल देखने में, एक कैंडल बनने में 1 आवर लगता है, ठीक है। अगर उसी हिसाब से मैं 15 मिनट लेता हूँ, 5 मिनट्स लेता हूँ, तो उसी हिसाब से एक कैंडल बनने में उस टाइम उतना दिन लगता है। तो अगर मैं गाइस मैं आप लोग को पूछूँ, ठीक है, मैं आपको पूछूँ अगर 26 को, 26 का मेरा हाई क्या रहेगा, डे हाई में पूछूँ, तो आप लोग क्या बोलोगे, क्या हाई हो सकता है, वन मिनट तो हम लोग ये बोल सकते हैं दिस इज द हाई, है ना, यहां पे हम लोग पूरा हाई, जहां तक तो मार्केट पूरा गया है, जहां से रिवर्स हुआ है उसको बोलेंगे डे हाई, राइट, डे हाई, परफेक्ट। अगर मैं डे लो बोलूं मतलब ये मेरा डे लो है, सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, दिन का 9:15 मार्केट शुरू हुआ और 3:30 का मार्केट खत्म हुआ, उसका मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये है और डे है ये। अगर मैं आपको बोलूं कि प्रीवियस डे क्या था, अगर मैं इस दिन पर ट्रेड कर रहा हूँ, सोचो कि मैं इस दिन पर ट्रेड कर रहा हूँ,
अगर मैं इस दिन पे ट्रेड कर रहा हूँ, सोचो मेरा कैंडल यहाँ पे बन रहा है, मैं आई एम ट्रेडिंग राइट नाउ, मैं पूछूंगा आप लोग को प्रीवियस डे कौन सा है, आप क्या बोलोगे? प्रीवियस डे कौन सा है गाइस? प्रीवियस डे हाई, मैं बोलूंगा प्रीवियस डे हाई, मतलब ये मेरा हाई रहेगा। देखो 9:15 से मार्केट शुरू हुआ है 3:30 तक, तो ये मेरा हाई रहेगा ना, देख रहा है? तो उसको हम बोलेंगे प्रीवियस डे हाई। और प्रीवियस डे लो कौन सा होगा, जहां सबसे ज्यादा पॉइंट नीचे आया था? तो ये सिंपल मेथड है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, और डे हाई डे हाई ले लो, समझ में आ गया? क्लियर, सबको समझ में आया डे हाई डे लो क्या है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो क्या है? क्योंकि आप लोग ये हेल्प करेगा, ठीक है? ओके क्लियर गाइस, यस और नो? क्लियर, ओके। तो आप लोगों सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पता है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, याद रखो जितना भी मैं आप लोग को, जितना भी आप लोग को मैं सारा चीज सिखा दू, आपको मैं इंडिकेटर बता दू, पूरा फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बता दू, इतना याद रखो गाइस, प्राइस एक्शन इज किंग। ओके, प्राइस एक्शन पहले उसको फोकस किया जाता है, और उसके बाद प्राइस एक्शन पे पहले फोकस किया जाता है, उसके बाद हम लोग कुछ भी स्ट्रेटेजी देखेंगे पहले उसके सेकंड ऑप्शन में ही आता है। क्यों प्राइस एक्शन नंबर वन पे? क्योंकि क्यों प्राइस एक्शन नंबर वन पे? आप ही लोग पूछो ना, प्राइस एक्शन नंबर वन पे क्यों? कोई अपने गेस करो, कुछ भी बताओ, मैं आप लोग को एक आप लोग बताता हूँ सोल्यूशन। आप लोग क्या सोचते हो प्राइस एक्शन किंग क्यों मार्केट बोला जाता है? राइट, परफेक्ट, प्राइस इज लीडिंग इंडिकेटर, देन और क्या है? प्राइस, सिंपल, देखो सिंपल, प्राइस प्राइस सब कुछ है, प्राइस हम लोग को पता है कि मार्केट प्राइस जहां मूव करेगा उसी हिसाब से हम लोग सब इंडिकेटर उसी को ही फॉलो करता है, राइट? प्राइस ही एक चीज है जो हिस्ट्री को बार बार रिपीट करता है, प्राइस सब कुछ है, राइट? लेकिन द पॉइंट इज दैट कि जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टॉक मार्केट में जितने प्ले कर रहे हैं, अगर 10 लोग ट्रेड करेगा, 7 लोग का थिंकिंग, 7 लोग का थिंकिंग अगर मार्केट में ऊपर जाएगा, तो मार्केट ऑब्वियस बात है ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ मार्केट में जो स्ट्रैटेजी भी, जितना लोग ज्यादा लोग काम करेंगे वो स्ट्रैटेजी उतना ऊपर जाएगा, राइट? तो हम लोग का जो लियो स्ट्रैटेजी है वो सिंपल वही प्राइस एक्शन पे ही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही हम लोग उसको बनाया गया था कि सपोर्ट ब्रेक करे तो आपको नोटिफिकेशन आए, कुछ भी हो वो हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है? पहले जानते हैं प्राइस एक्शन, वो तो सोचो कि अगर 6 मिलियन 7 मिलियन लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी पे, कहीं पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर सोचो कि 3 मिलियन लोग या 4 मिलियन लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो लोग मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए प्राइस एक्शन को जितना लोग जो स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे वैसे मार्केट मूव करेगा। ये सोचो, मैं आप लोग को बताया था कि मार्केट में जब रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो मार्केट एक बूम करके ऊपर जाता है, लेकिन एक बात सोचो गाइस, मार्केट जब ब्रेक करता है ना, कभी कभी नीचे तो आता है और भी नीचे आके थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस, अगर नीचे पीछे कहीं रेजिस्टेंस होगा, मतलब सोचो कि ऐसा ऐसा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है मार्केट, और छोड़ो मैं फिर से अच्छे से क्लियर करता हूँ इसको, सोचो कि गाइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और मार्केट बार बार इधर को रेजिस्टेंस दिया, देन मार्केट इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है? ब्रेकआउट देने के बाद क्या होता है, कभी कभी मार्केट आता है, इसको सपोर्ट देखता है, यहाँ पे सपोर्ट देके जा सकता था, मतलब रिटेस्ट होता, लेकिन मार्केट आता है इसको सपोर्ट देके अगेन बूम हो जाता है, बहुत बार ऐसा भी होता है, ठीक है? तो यहाँ इस सेक्टर में क्या होता है, हम लोग जो लियो स्ट्रैटेजी, लियो स्ट्रैटेजी जब भी कोई भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, लियो स्ट्रैटेजी एक इंडिकेशन आप लोग को देता है, ठीक है? आपको इंडिकेशन देगा कि मार्केट अभी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन आप लोग क्या करोगे, थोड़ा वेट करोगे जो मार्केट रिटेस्ट नहीं करता। रिटेस्ट किसको करेगा, एक रेजिस्टेंस को करेगा, पाइवट को कर सकता है, या ऐसा हो सकता है कहीं एक मूविंग एवरेज को करता है। मूविंग एवरेज क्या होता है गाइस, मूविंग एवरेज होता है, जैसे मैं मान के चलो बोलता हूँ 18 मूविंग एवरेज 18 कैंडल का वो एक एवरेज निकालता है, उसका प्राइस का मूवमेंट को लेकर एवरेज निकालता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करता है। 18 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज, इतना सारा चीज को लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस लगाना है 18 मूविंग एवरेज, ठीक है? कुछ दिन में ये इंडिकेटर के साथ ही आप लोग 18 मूविंग एवरेज एडेड हो जाएगा, तो आप लोग 4-5 इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं, एक ही इंडिकेटर लगाओ, लेकिन 18 मूविंग एवरेज आप लोग लगाओ, ठीक है? तो मार्केट में जाता है, 18 मूविंग एवरेज सपोर्ट लेता है, तो हम लोग कन्फर्म है सपोर्ट, मैं जो बोल रहा हूँ सुनने की कोशिश करो, सपोर्ट। इसका मतलब ये नहीं, अगर मार्केट मूविंग एवरेज जैसे जा रहा है,
मैं कुछ और कलर दे रहा हूँ उसको, ब्लू, ठीक है, मैं ऐसा कुछ ले रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे आया एक रेड कैंडल, ऐसे जा रहा है मार्केट और सपोर्ट लिया यहाँ पे, ऐसा नीचे आया, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, और एक कैंडल इसको ऐसा ब्रेक कर दिया, ऐसे ब्रेक कर दिया, ये सपोर्ट नहीं हुआ गाइस, ये तो पॉइंट को ब्रेक कर दिया। हम लोग को चाहिए एक सपोर्ट। सपोर्ट मतलब क्या होता है कि मार्केट में इसके ऊपर ही रहेगा और एक डोजी जरूर बनेगा इसके ऊपर ही, ठीक है, डोजी बनेगा, मतलब मार्केट में क्या हुआ, एक पॉइंट से सपोर्ट लिया, ठीक है, मतलब टच किया उस पॉइंट को, टच करना ठीक है, डोजी जितना बड़ा हो चलेगा, डोजी जितना बड़ा हो चलेगा। डोजी क्यों बड़ा होता है गाइस, उसका मतलब क्या होता है, ये ट्राई किया एक कैंडल, एक मिनट, एक कैंडल ट्राई किया इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करने में, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, स्पीड इसको इतना प्रेशर था कि उसको ले लिए, ला दिए, खींच लिए उसको। जब खींच लेते हैं तो एक मतलब एक प्रूफ के लिए क्या बनता है, विक बन जाता है, डोजी बन जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब ऐसे सपोर्ट ले लिया, जब ये ऐसे सपोर्ट ले लिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये हाई ब्रेक करेगा देन वी विल एंटर, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कहीं एंट्री करेंगे और इतना बड़ा टारगेट हम लोग लेंगे। तो मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से बताया था कंसोलिडेशन रिटेस्ट क्या होता है, अगर मार्केट ऐसा बूम करके गया यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बॉक्स करने बाद फिर मार्केट मूव करता है ऊपर, इस टाइप का चीज समझाया था, ठीक है। तो गाइस ये चीज समझो, अगर अगर मार्केट में ऐसा मूव कर रहा है, कंटिन्यू मूव कर रहा है, हम लोग को कहीं नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा, एंट्री नहीं मिल रहा, एंट्री नहीं मिल रहा, तो जरूरत नहीं है एंट्री में। उस टाइम क्या करोगे आप लोग, क्या क्या चीज देखोगे, फर्स्ट कैंडल फर्स्ट क्लास में आप जो लोग देखे हो बताओ मेरे को, क्या क्या हम लोग अगर मार्केट में ऐसा मूव करके ऊपर जा रहा है, सो यहाँ पे एंट्री करने के लिए हम लोग क्या क्या देखेंगे, व्हाट कैन वी सी, क्या देखेंगे गाइस, इनसाइड कैंडल, और क्या देख सकते हैं, पुल बैक, पुल बैक किसको, पुल बैक एक रेजिस्टेंस को, उसमें रेजिस्टेंस में क्या क्या आ सकता है गाइस, पाइवट आ सकता है, और क्या आ सकता है, कोई भी दूसरा रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इनसाइड कैंडल तो था, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे उसको समझेंगे, ठीक है। तो ये होता है वो चीज, आप लोग अभी क्लियर हो चुका है, ठीक। हाँ, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस प्रीवियस हाई, अगर प्रीवियस डे, लोग बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि प्रीवियस डे हाई को भी कभी कभी क्या होता है, ध्यान देखो, कभी कभी क्या होता है, मार्केट यहाँ पे पुल बैक दे दिया, ठीक है, कभी कभी प्रीवियस डे में अगर हाई में होगा तो अगर इसको ही ब्रेक करता है तो भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन दिस इज रिस्की, ओके, रिस्की क्यों है, रिस्की क्योंकि यहाँ पे मेरे को चाहिए एक पुल बैक, अगर ये प्रीवियस डे हाई को लेके पुल बैक दे देता है, पुल बैक देने के बाद हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, पुल बैक देने के बाद, नहीं तो ऐसे एंट्री कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा। कभी क्या होगा, रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस को, कोई भी रेजिस्टेंस को मार्केट ऐसे ब्रेक करके नहीं चला जाएगा, बहुत रेयर, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया मतलब मार्केट ट्राई करता है, मैं बोला हूँ 80% टाइम क्या होगा, मार्केट थोड़ा पुल बैक दे के जाएगा, है ना, तो कोई भी रेजिस्टेंस आगे पाइवट हो कुछ भी हो थोड़ा वेट करेंगे पुल बैक, अगर एंट्री ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, डर क्या है, रिस्क लोगे तभी ना इसका, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी आपका कम हो जाएगा, 60% 70% हो जाएगा, तो ये चीज हम लोग ध्यान देंगे। पुल बैक, एक मिनट, क्या क्वेश्चन है, पुल बैक सेम कैंडल नेक्स्ट कैंडल, हाँ ऐसा हो सकता है कि देखो मान के चलो पुल बैक दिया है यहाँ पे, पुल बैक यहाँ पे दे दिया, हम लोग वहां पे एंट्री नहीं करेंगे, पुल बैक जब हाई पे ब्रेक, हाई ब्रेक करेगा तभी हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया गाइस, मैंने जैसे बताया कि एक मूविंग एवरेज को जब सपोर्ट देगा, एक मूविंग एवरेज सपोर्ट दिया हो, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग भी माना जाता है, मैं जो तो मूविंग एवरेज बता रहा हूँ वो मूविंग एवरेज को ध्यान में रखो, 18 मूविंग एवरेज तो लगाओगे, दूसरा लगाना 200 मूविंग एवरेज गाइस, 200 मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, मतलब तुम जब भी एंट्री लोगे अगर 200 मूविंग एवरेज आगे है तो थोड़ा सोच के लेना है, ठीक है, जब एंट्री लोगे तो दिमाग में रहना चाहिए भाई 200 मूविंग एवरेज आगे है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मार्केट कैन टच दैट इंडिकेट, टच दैट मूविंग एवरेज और रिवर्स हो सकता है, ठीक है, तुम थोड़ा वेट करना, आगे जाके थोड़ा सा 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे, मैं जो बोल रहा हूँ गाइस लिखते जाओ, ठीक है, 200 मूविंग एवरेज, 18 मूविंग एवरेज, थोड़ा सा ब्रेक कर दे, उसके बाद पुल बैक एक दे दे, मैं एंट्री कर लूंगा। कभी कभी क्या होता है, ब्रेक करने के ऊपर चला जाता है, मतलब वही जैसे 20% टाइम मार्केट में काम करता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर जाकर सस्टेन कर ले, थोड़ा सा पुल बैक दे दे, फिर मैं एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है सस्टेन। सस्टेन मतलब क्या होता है गाइस, जब भी लोग क्या होता है, लोग सोचते हैं समझते नहीं है, रेजिस्टेंस ब्रेक क्या ले लेते हैं, सस्टेन मतलब क्या होता है, मार्केट एक जाके थोड़ा सा क्लोजिंग करने दो, अगर क्लोजिंग नहीं कर पाया तो खत्म बात ना, अगर मार्केट में ऐसा कैंडल बन रहा है, क्लोजिंग कर दिया मतलब यस इट इज, इट ब्रेक माई, इट ब्रेक्स माई रेजिस्टेंस, ओके, लेकिन
मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाना है, एक्सपोनेंशियल सिंपल नहीं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, तो मार्केट में अगर सोचो कैंडल क्लोज ही नहीं कर पाया, प्रेशर इतना क्रिएट हुआ यहाँ पे, ऐसा कैंडल इधर क्लोज हो गया, आप तो फंस गए वहां पे, बहुत बड़ा फंस गए। उसके बाद मार्केट क्या हो जाता है गाइस, जब मार्केट में ले लिया यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाएगा, सपोर्ट मिल गया मतलब मार्केट रिवर्स, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा। इसीलिए बोला जाता है थोड़ा मार्केट को कैंडल को क्लोज होने दो, थोड़ा सस्टेन होने दो क्या ऊपर। सोचो कि इतना बड़ा कैंडल बन गया तो उसमें तो ऑलरेडी इतना बड़ा मूव हो रहा था, आप एंट्री ले ही लो, लेकिन सोचो कि थोड़ा सा ये एंट्री हुआ, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो, एक हायर हाई बनने दो, हायर हाई भी सडनली नहीं लोगे, अरे थोड़ा सा ऊपर एंट्री ले लोगे, नहीं तो पुल बैक ले लो फिर एंट्री करो, ठीक है। वो सब चीज ध्यान में रखना है। एवरीवेयर एवरीवेयर सी, इफ यू आर डूइंग स्विंग ट्रेड, तो स्विंग ट्रेड करोगे तो उसी हिसाब से फोकस करोगे ना, कि मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ तो हायर टाइम फ्रेम, डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग ये सब चीज प्राइस एक्शन में सीखेंगे, प्राइस एक्शन का अलग क्लासेस हो गए टोटली, उसमें एडवांस प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न क्या होता है, थ्री स्टार फोर स्टार फाइव स्टार ट्रेड सेटअप क्या होता है, वो सब उधर सीखेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा आप लोग को कि कौन सा टाइम फ्रेम क्या है, ठीक है। पॉइंट्स कुछ नाटिक हुसैन, पॉइंट्स कैसे बता दूं, वो कैसे बता दूं कि कौन सा पॉइंट के ऊपर, ऐसा कुछ पॉइंट्स फिक्स नहीं है, ये सब रट्टा मारने वाला चीज है, ठीक है ना, पॉइंट्स पॉइंट्स ये सब रट्टा मारने वाला चीज है। पहले साइकोलॉजी समझो, दिमाग सेंटीमेंट समझो मार्केट का क्या है। मैं बोलूंगा पांच पॉइंट के ऊपर, तो पांच पॉइंट के ऊपर तुम एंट्री ले लो, नहीं तुम वेट करोगे मार्केट में जब सस्टेन नहीं करता, ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कोई पॉइंट पॉइंट कुछ फिक्स नहीं, रट्टा मारने वाला चीज मत करो, ठीक है। तो ये सब चीज है गाइस, एंड इतना हो गया। मैं चार्ट में थोड़ा देखता हूँ आप लोग और क्या क्या बचा, कुछ चीज मिसिंग हो जाएगा फिर आप लोग क्लियर डाउट रह जाएगा, है ना। मार्केट जब करेगा, हाँ परफेक्ट। और एक बात गाइस, जब अगर प्राइस एक्शन में, प्राइस एक्शन में कोई रेजिस्टेंस है, ओके आप लोग समझो, प्राइस एक्शन में कोई रेजिस्टेंस है, आगे जाके सोचो कि यहाँ पे मेरा कोई रेजिस्टेंस बन रहा है, इस पॉइंट में मेरा कोई रेजिस्टेंस बन रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। अगर मान के चलो मार्केट में मेरे को यहाँ पे एक ब्रेक करके लियो इंडिकेटर आपको सिग्नल दिया, उसके बाद ब्रेक किया, ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, ये मत सोचो कि मैं सोते सो जाऊंगा मार्केट लेके जाएगा, नहीं। अगर प्राइस एक्शन है मतलब प्राइस एक्शन को सपोर्ट, वो रिस्पेक्ट देगा ही देगा, वो वहां पे टच करके रिवर्स होगा ही होगा, तो आप होल्ड नहीं कर सकते वहां पे। इसीलिए आप लोग को अगर मार्केट में बड़ा मूव होल्ड करना है, वो हम लोग प्राइस एक्शन भी सीखेंगे, ठीक है। थ्री स्टार फाइव स्टार फोर स्टार सेटअप जब सीखेंगे, उस टाइम हम लोग पता चल जाएगा मार्केट आज ट्रेंडिंग होने वाला है या मार्केट का सेंटिमेंट जो है, उस टाइम हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए ओनली हम लोग देखेंगे कि लियो इंडिकेटर कैसे काम करता है, होल्ड कब करेंगे, स्टॉप लॉस कब लगाएंगे, टारगेट कब लगाएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी ओनली हम लोग इसमें पॉइंट में पॉइंट लाएंगे। और एक बात, मैं आप लोगों को सिखा दिया, अगर स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गया, कल से जाकर ट्रेड नहीं करना, यही होता है अग्रेसिव ट्रेडर का। उनको कुछ नहीं पता, उनको भाई पैसा कमाना है, क्या सर बोल रहे हो सर, कल मैं पैसा नहीं कमाऊ, मैं कल जाकर ट्रेड करूंगा और पैसा खत्म हो जाएगा सर, मेरा लॉस हो गया। अरे पहले सीखो, प्रैक्टिस तो करो, कॉन्फिडेंट फील करो, फोकस ऑन योर प्रोसेस नॉट ऑन योर प्रॉफिट। जब पैसा होना सीख जाओगे, कॉन्फिडेंट आ जाएगा, जिंदगी भर कमाओगे, अभी खत्म हो जाएगा तो मार्केट बंद करके चल जाओगे, ये अच्छा है ना, सीखने के बाद करो ना। हड़बड़ी बहुत लोगों हड़बड़ी होता है ना, टीम में बहुत कोई भी है ऐसे कि वो लोग एंट्री लेने के बाद बोलेंगे सर मेरा लॉस हो गया सर। अरे यार तुम ट्रेड क्यों किया अभी, तुमको पता है कि आज मार्केट, उनको डेली चाहिए होता है कि यार सर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उसके बाद समझ में आएगा सर थोड़ा बताओ ना कैसे मैं अपना जो लालच है, जो ग्रीड है, वो कंट्रोल करो। भाई ट्रेड साइकोलॉजी में बताया गया अच्छे से, वो इसलिए पॉइंट है, वो पॉइंट को चार्ट पे कंप्यूटर के सामने ऊपर लगा दो, जहां पे ट्रेड करो स्क्रीनशॉट देखो, उसको मैसेज पढ़ के ये करो, ठीक है। तो हम लोग अभी इंडिकेटर लगाते हैं गाइस। ट्रेडिंग व्यू आप लोग को सबको tradingview.com सर्च करना है, जिसके पास, जिन लोग के पास मोबाइल है मोबाइल पे भी ट्रेडिंग व्यू सर्च कर सकते हो, डेस्कटॉप वर्जन पे करना, क्योंकि आप लोग के पास नहीं है तो डेस्कटॉप वर्जन पे करो, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग एक बार डेस्कटॉप वर्जन में कॉपी पेस्ट हो गया, उसके बाद आप लोग आप यूज कर सकते हो, ठीक है। साइन इन के टाइम आपको डेस्कटॉप में करना पड़ेगा, tradingview.com करो गाइस, ठीक है। आपको स्क्रिप्ट मिलेगा, ठीक है, आपको स्क्रिप्ट मिलेगा, स्क्रिप्ट को ला के यहाँ पे पाइन एडिटर होगा, ओके पाइन एडिटर होगा यहाँ पे, आप लोग को क्या कुछ नहीं करना, आगे सिंपल जो स्क्रिप्ट मिला होगा पेस्ट कर देना, पेस्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे R2 चार्ट कर देना, ठीक है, R2 चार्ट कर दोगे, दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे तो मेरा कुछ है नहीं पेस्ट करने के लिए, इसलिए मैं पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
कोई भी चीज छोड़ो, इसको इसी को ही ले लेता हूँ छोड़। बता रहा। देखो पहले आप लोग को जाना है tradingview.com। tradingview.com पे आके आपको स्क्रिप्ट मिला होगा, उसको कॉपी कर देना है, कॉपी कर लेना है। उसके बाद पाइन एडिटर पे आना है, यहाँ पे होगा देखो थर्ड पॉइंट में, पाइन एडिटर पे आओ। वहां पे आके आपके पास जो होगा लिंक, जो भी आपको मिला होगा डायरेक्ट पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको आना है यहाँ पे, देखो ओपन सेव ऑन आर टू चार्ट है, आप लोग को आर टू चार्ट कर देना है। उसके बाद मिनिमाइज कर लेना है, मिनिमाइज जब कर दोगे आपको कहीं इस टाइप का दिखेगा, ठीक है? आपको इस टाइप का ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास, ऐसे सब ब्लू लाइन सब आ जाएंगे, ठीक है? उसके बाद आप लोग को वही जाके इंडिकेटर में सर्च करना है। इंडिकेटर में सर्च करके यहाँ पे आप लोग को लगाना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है? ये इंडिकेटर देखो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च करोगे यहाँ पे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है? ये सर्च करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब क्लिक करोगे, जो जो बताते जा रहा हूँ आप लिखते जाओ, ठीक है? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च करने के बाद आपको ऐसा दिख जाएगा। क्या स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कम मिलेगा? क्यों कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा ना, कम क्यों मिलेगा? ओके, तो मूविंग एवरेज को जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे आना है, और ये होगा 9 होगा आपको, ठीक है? 9 होगा, इसको कर देना है 18, ठीक है? 18 करके सेव कर देना है। वो टीम भेज देंगे, टीम भेज देंगे योगेश, डोंट वरी अबाउट इट, आपको टीम भेज दिया जाएगा, टीम भेज देंगे, उसको लगा देना, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? हड़बड़ी नहीं करना, हड़बड़ी नहीं करोगे आप लोग को यहाँ। बस लियो मेंबर बनने नहीं हो कि बस ये करना है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड करने के लिए आप लोग को यहाँ पूरा पेस, पूरा इम्पेशन से जो आपका जो ट्रेडिंग करते हो वो पेशेंस करके छोड़ेंगे आप लोग, टोटली पूरा अच्छे से आराम से ट्रेड करो, ठीक है? तो 18 मूविंग एवरेज, उसके बाद आप लोग को फिबोनाची लगा देना पाइवट, ये भी मिल जाएगा आप लोग को यहाँ पे। पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड अपडेटेड वर्जन होगा, अभी नया आया है ये उसका, ठीक है? इसको सर्च कर देना है। इतना ही आप लोग को फ्री वर्जन में आपको ये तीनों ही ऑप्शन मिलेगा, आपको बाद में अगर पेड लोगे तो उसके हिसाब से आप 200 मूविंग एवरेज लगा सकते हो, ठीक है? इसमें सेटिंग्स में जाना है, सिंपल ये होगा आप लोग का ट्रेडिशनल होगा, इसको कर लेना है फिबोनाची, ठीक है? इसको करके ऑटो को कर देना है डेली, ये ऑटो में होगा आप लोग का, ठीक है? इसको कर दोगे आप लोग डेली और डन सेव, ओके? इतना ही चीज लगाओगे, दूसरे मूविंग एवरेज लगा देते। तो ये सब आपको कुछ नहीं दिखेगा, चार्ट पर खाली खाली दिखेगा, कुछ नहीं, पर सिंपल दिखेगा। ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, मतलब हड़बड़ी सॉरी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। और सिंपल मेथड गाइस आप लोग देखो, जैसे बताया कि मार्केट में हमें देखो क्या हुआ, मार्केट एक ऐसे इसको ब्रेक किया है ना, इसको ब्रेक किया, अगेन मार्केट देखो एक यहाँ पे पुल बैक दिया है। सपोर्ट कहाँ लिया है, सपोर्ट किस कैंडल पे लिया है, ध्यान से देखो मेरे को बताओ, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट कहाँ लिया है, यहाँ पे लिया है, दिख रहा है? यहाँ पे नहीं लिया, देखो ये वाला कैंडल नहीं लिया है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, राइट? तो हम लोग किसको लेंगे, जब एक सपोर्ट लेगा, सपोर्ट किस कैंडल में लिया, इसको लिया, यहाँ लिया। तो मार्केट में बार 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 वही जगह से प्ले कर रहा है, ब्रेक करके जा नहीं पा रहा, मतलब उसका मतलब क्या है, मेरा लिए वो जो 18 मूविंग एवरेज है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनते जा रहा है। तो जब उसके बाद मार्केट थोड़ी देर इसको कंसोलिडेट किया 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 किया, उसके बाद जब इसको ब्रेक कर दिया और मार्केट चला गया ऊपर, कहाँ तक गया, कहाँ तक गया आप बोलोगे सर, कहाँ तक गया, टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी कोई पॉइंट मत रखो, ठीक है? कब होल्ड करोगे कब नहीं करोगे वो बाद में बताऊँ। ओनली याद रखो जब वोलाटाइल मार्केट हो उसमें हम लोग ओनली 1:1, 1:1.5 इतना ही लेंगे, ठीक है? जब मार्केट ट्रेंडिंग रहे तो आराम से होल्ड करने का स्ट्रैटेजी, गोल्डमैन स्ट्रैटेजी को बोलते हैं, उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को, होल्ड करोगे लंबा टाइम फ्रेम के लिए, टारगेट क्या लगाओ, स्टॉप लॉस क्या लगाओ, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, ओनली आप लोग देखो कि एंट्री कैसे होगा, कब करना है, ठीक है? परफेक्ट। और हाँ, और एक बात बता दूं गाइस, थोड़ा सा वेट करना कि मार्केट जब अच्छा कैंडल बन रहा है तो ठीक है, मूवमेंट अच्छा है, मतलब ऐसा एंट्री बनते जा रहा है बनते जा रहा है, तो अलग बात है, लेकिन सडन जाके एंट्री मत कर देना, पूरा एंट्री मिल रहा तो भाग के एंट्री मत करना, थोड़ा सा वेट करना, आराम से एंट्री करना, ठीक है? तो हाँ, वोलाटाइल मार्केट कहाँ से पता चलेगा, वो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार ट्रेड, स्टॉक में, स्टॉक का अलग क्लासेस होंगे गाइस, स्टॉक्स में आप लोग को
ध्यान में रखो, प्राइस एक्शन उसमें याद ध्यान रखेंगे, उसमें ओनली एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए लियो इंडिकेटर यूज करेंगे, ठीक है। ये बड़े बड़े मूवमेंट्स के लिए, जहां पे अच्छा मूवमेंट होते हैं वहां पे लियो इंडिकेटर हम लोग लगाएंगे, बैंक निफ्टी, निफ्टी कमोडिटी में, ठीक है, वहां पे लगाएं जहां अच्छा मूवमेंट रहेगा। और स्टॉक्स में हम लोग प्राइस एक्शन पहले सपोर्ट लेंगे, उसके बाद इसको जब लियो इंडिकेटर यूज करेंगे मल्टी कंफर्मेशन के साथ हम बूम करके एंट्री लेंगे, ताकि हम लोग को ज्यादा स्टार ट्रेडिंग मिले, ठीक है। वो मैं बताऊंगा जब स्टॉक का क्लासेस होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके सी गाइस, मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे देखो, मार्केट में यहाँ पे बूम करके गया, फिर थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, ब्रेक तो किया, और कहाँ सपोर्ट लिया, 200 मूविंग एवरेज। अगर 200 मूविंग एवरेज लगाए होगे तो पता होगा कि थोड़ा सा मेरे को ब्रेक करने 200 मूविंग एवरेज पे एंट्री लगा, 200 मूविंग एवरेज एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, 200 मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट गया, उसको ब्रेक किया, देखो फिर अगेन मार्केट आ गया एटलीस्ट आसपास, तो फिर जाके भी यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, ठीक है। कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक कर गया, सिंपल। आप लोग समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे देखो। अच्छा, इस पॉइंट को अच्छे से देखो, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, जब भी मार्केट ऐसा बना तो आप लोग को एक कैंडल बन जाएगा, एक क्लाइंट, ऐसा नहीं कि आप लोग मूव हो रहा तो कैंडल बन रहा होगा, जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगा ना गाइस, ये कैंडल जब क्लोज होगा तभी आपको इंडिकेशन मिलेगा, ठीक है। ये जो ग्रीन आपको जो ये इमोजी मिलेगा, जो भी आपको बोलते हैं आरो मिलेगा, वो कैंडल क्लोज होने के बाद मिलेगा, तो आप लोग आराम से टाइम मिलेगा एक रीटेस्ट के लिए वेट करने के लिए, ठीक है। तो मार्केट आया 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 आया, रीटेस्ट दिया, और रीटेस्ट कहाँ किया गाइस, कहाँ किया, इस पॉइंट को देखो, इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को दिया, और ये यहाँ पे भी कहीं सपोर्ट यहाँ पे दिया है ना, तो हम लोग जब इसको ब्रेक करेगा एंट्री करेंगे, ठीक है। ये एंट्री किए, देखो पाइवट में जाके फिर से अगेन पुल बैक दिया, मैं जैसे बोला हूँ रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नहीं जाए, पुल बैक दिया, अगेन मार्केट कहीं ऐसे से ब्रेक करके फिर ऊपर चला गया, है ना। तो परफेक्ट हम लोग को अच्छा खासा एंट्री मिला और अच्छा खासा पैसा मिला हम लोग। लेकिन इतना याद रखो गाइस, अगर मेरा अभी जोन देखो, अभी अगर मेरा क्लियर में देखूं, अगर ये एंट्री ऐसा मिला है, अगर मेरे को लियो इंडिकेटर बताया कि बाय, मैं ओनली बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, ठीक है। अगर सोचो कि नेक्स्ट डे पे क्या हुआ, मार्केट नेक्स्ट डे पे देखो, अच्छे से ध्यान दो क्या बोलना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट डे पे मेरे को कहीं सिंबल मिला है, कहीं नहीं मिला, मेरे को पता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है, राइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत कोई ट्रेड किए होंगे, मेरे को पता है जो ग्रुप में भेजे थे 52,000 कोई किए थे, वो भी एंट्री यहाँ पे लिए। देखो जब मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे बाय सिग्नल है, हम लोग ओनली अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे, तो मार्केट देखो अगेन आके पुल बैक दे रहा है, बार 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 अगेन पाइवट को भी पुल बैक दे रहा है, 18 मूविंग एवरेज को पुल बैक दिया, 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पाया था, आ गया नीचे, तो अगेन जब 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, बूम होके चला गया आराम से, इट्स अ बिग मूव एंड वी कैप्चर द होल पॉइंट। कैसे कैप्चर करोगे, आई विल टीच यू, डोंट वरी अबाउट इट, इजी पॉइंट, ओके, इजी पॉइंट, हम लोग वी कैन कैप्चर द होल मोमेंट, दिस इज द गुड थिंग। क्या आप लोग ये चीज है कि लियो स्टार्ट, लियो जो पूरा टोटल कोर्स में आप लोग सीख जाओगे कि वोलेटाइल मार्केट कैसे चलेगा, वोलेटाइल मार्केट में कैसे इग्नोर करना है, वोलेटाइल मार्केट में क्या करोगे आप लोग, स्टॉक्स में जाके प्ले करोगे, ऑल दिस थिंग्स यू विल लर्न, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। अगेन सी गाइस, मार्केट में जब ये आया, ये जब आने के बाद मार्केट में अगेन पुल बैक दिया एंड सी सी द मोमेंट, बूम करके ऊपर चला गया। जब भी देखो पाइवट को टच करता ना मार्केट, एक पुल बैक देता ही देता है। हाँ अच्छा, ये कैसे दिखता है, ये कैसे दिखता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैं बता रहा हूँ ये दिखेगा कैसे, आप लोग पता कैसे चलेगा, आप लोग सर एंट्री कब करना है, क्या करना है, ये तो सर ऐसा देखने में सर इजी है, लेकिन सर कैसे हम लोग यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे, शोइंग यू गाइस। एंट्री कैसे करोगे गाइस, यस, यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पॉइंट पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। सिंपल मेथड है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपल है, लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड करके रखें तो ज्यादा सिंपल, दिमाग मत लगाओ, सिंपल, ठीक है। अब क्या करोगे गाइस, आप थोड़ा सा वेट करोगे कि एटलीस्ट ये 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे, मैं एंट्री करूँ, है ना, 200 मूविंग एवरेज आ गए तो कहीं मार्केट वहां से रिवर्स होता है, 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे, मैं एंट्री करूंगा आराम से। मार्केट एक पुल बैक दे दिया 18 मूविंग एवरेज को, दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट में शुरू हुआ, जर्नी स्टार्ट हो गया इसका, देखो अब ब्रेक किया, हो गया पुल बैक, मिल गया 18 मूविंग एवरेज, इजीली वो ब्रेक नहीं करता है, ब्रेक कर देगा तो पुल बैक देगा, 80% टाइम यही होगा, 20% टाइम हो सकता है ब्रेक करके उड़ जाए, लेकिन आप लोग आराम से नीचे करके रखना, एंट्री कर सकते हो आराम से, है ना, आराम से जा रहा है मार्केट। एंट्री पॉइंट वही है ना, जैसे
टू एंड मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, यहीं पे एंट्री कर लो, इसके ऊपर ही ब्रेक कर एंट्री कर लेना, टू एंड मूविंग एवरेज को थोड़ा सा ऊपर कर दो, या आसपास यहीं एंट्री कर सकते हो, है ना, कहीं भी एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एसएल कहाँ लगाओगे? डोंट वरी अबाउट इट, आई विल टेल यू। एसएल कहाँ लगाओगे, 80 मूविंग एवरेज के नीचे कैसे लगाओगे मैं सब बताऊंगा, और कहाँ परफेक्ट होना चाहिए एंट्री, ये सब स्टॉप लॉस टारगेट ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो 200 मूविंग एवरेज है तो मार्केट इतना जल्दी तो ब्रेक नहीं करेगा, देखो वहां पे खेल रहा है, आराम से खेल रहा है, अभी और कंफर्मेशन मिल रहा है मेरे को, और कंफर्मेशन क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखो बार 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 200 मूविंग एवरेज से ये हो रहा है, अगर मैं एग्जिट यहाँ पे कर भी जाता हूँ तो थोड़ा सा इसको भी ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री कर सकता हूँ, है ना। 80 मूविंग एवरेज के सॉरी 200 मूविंग एवरेज के पास मार्केट खेलता है, बहुत प्ले करता है, बहुत टाइम प्ले करेगा, वो सडनली ब्रेक करके नहीं जाएगा। वो सब चीजें, मार्केट गया ऊपर गया या नीचे जा रहा है, ये सब चीज कंटिन्यू कर रहा है वो अलग बात। ठीक है, होल्ड कैसे करेंगे दैट इज डिफरेंट पार्ट। ठीक है छोड़ो, इतना याद रखो गाइस, हम लोग रिस्पेक्ट किसको इसको करेंगे यहाँ पे बताओ मेरे को, हम लोग क्या क्या को रिस्पेक्ट देंगे मार्केट में, पाइवट को रिस्पेक्ट देंगे, राइट, पाइवट को रिटेस्ट देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, 200 मूवी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कभी कभी एक बार लगाना फिर उसके बाद बंद कर देना, आप लोग पता चल जाएगा 200 मूवी आसपास कहीं है फिर उसको बंद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री लेने के बाद तुम प्राइवेट बंद कर दो, एंट्री लेने के बाद एक बार 80 मूवी हाउस की एंट्री ले लिए, दूसरा कोई इंडिकेटर लियो, सिग्नल ही बंद कर दो, आप लोग बस फ्री ऑप्शन है, फ्री में ओनली 3 इंडिकेटर लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, फ्री इंडिकेटर में क्या करोगे, एक बार लियो का एंट्री मिल गया उसके बाद बंद कर दो लियो को, उसके बाद एंट्री, एक बार एंट्री मिलने के बाद लियो की जरूरत नहीं है ना, जब तक एग्जिट नहीं करते तो लियो की जरूरत नहीं है ना, तो आराम से कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग ईएमए 200 को रिस्पेक्ट देंगे हमेशा, ईएमए 200, ठीक है, और हम लोग और किसको रिस्पेक्ट देंगे, हाँ नवीन, नवीन नवीन हमारे ये बैच है, मिड बैच है, राइट, मिड बैच है ना नवीन, यस, वो बोल रहे हैं कि पाइवट बाप है, यस पाइवट तो बाप है, हमेशा बाप रहता है, 200 मूवी एवरेज पाइवट हमेशा बाप है, बोलो हमेशा मार्केट को रिस्पेक्ट देंगे, वहां पर टच हुआ मतलब टारगेट अचीव्ड। ठीक है, ये में 200 और क्या है, ये 50, ये सब लगाने ज्यादा नहीं जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होना, यही दो को रिस्पेक्ट होगा इस प्रीवियस डे हाई, बहुत ज्यादा जरूरी प्रीवियस डे हाई, ये क्या हो प्रीवियस डे हाई, हाई लो, हाई एंड लो, उसको रिस्पेक्ट देना हमें। ठीक है, इसको ब्रेक करेगा उसको पुल बैक होगा, ये सब चीज देखना, प्रीवियस डे हाई लो और क्या हो सकता है, ये सेम डे हाई, सेम डे हाई, सेम डे हाई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि एक कैंडल बनाया वहीं से मार्केट पुल बैक दे उसको तुम हाई बोल दे, नहीं, मार्केट एक जगह से ऊपर गया फिर थोड़ा सा नीचे आया तो उसको हाई बोले, ऑप्शन चार्ट नहीं आनंद, ऑप्शन चार्ट पे नहीं, ओनली ये सब चीज बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीमियम के बारे में, लेकिन ओनली यू हैव टू फोकस ऑन, ओनली फोकस करोगे तुम स्पॉट चार्ट पे, क्योंकि ऑप्शन में तो प्रीमियम डिके बहुत होते हैं ना, तो प्रीमियम डिके मार्केट में जब कैंडल एक बना होगा वो तो नीचे आ गया होगा, तुमको ऑप्शन चार्ट स्पॉट चार्ट के हिसाब से ट्रेड करना, ना कि ऑप्शन चार्ट के हिसाब से। ठीक, सेम डाई सेम डे हाई, अच्छा कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ है अभी तक ना, अभी टोटल ओके प्रॉफिट, ओके सही है, सही है, सही है। स्टार्टिंग में ऐसा होगा 10 प्रॉफिट 3 स्टॉप लॉस, ठीक है 70% एक्यूरेसी है अभी, और थोड़ा थोड़ा धीरे 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 बढ़ा बढ़ाओगे तो फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट हमेशा बड़ा होना चाहिए, याद रखो, लॉस होंगे कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट हमेशा बड़ा होना चाहिए, लॉस हमेशा अगर छोटा हो रहा है, लॉस अगर मेरे को 50 पॉइंट 20 पॉइंट का हो रहा है, प्रॉफिट हमेशा 60 पॉइंट का होना चाहिए, 100 पॉइंट का होना चाहिए, इतना याद रखना। ठीक है, ये सब चीज से भी तो ये सब चीज को गाइस आप लोग फोकस करोगे, ये तो हो गया 3 चीज, और सपोर्ट रेजिस्टेंस वो प्राइस एक्शन में सीखेंगे हम लोग, एडवांस प्राइस एक्शन में, ठीक
सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब चीज को हम लोग ध्यान देंगे। इतना ही चीज को हम लोग अच्छे से गाइस ध्यान में रखना है, इसको पहले लिख लो। ये चीज को जब भी ट्रेड करोगे ये सब चीज को कंसिडर करके आप लोग को ट्रेड करना है, ठीक। अभी नहीं, अभी नहीं आदित्य, रुक जाओ अभी नहीं, ठीक है। ओके, इसको कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी हम लोग शुरुआत करें क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन होगा, अभी बहुत सारा चीज है हम लोग को, गोल्ड माइन स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी सब कुछ देखना है, तो इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जब धीरे समझ जाओगे कब होल्ड करोगे, कब पॉइंट कैप्चर करोगे, तब आपको समझ में आए। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग को, एक मैं दिखाता हूँ आप लोग को, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आप लोग को, मेरा फेवरेट है, ठीक है। मैं जब भी दिखाता हूँ सर, कैन बी आर्ट्स के जेरोधा में नहीं होगा, जेरोधा में वो कॉम्प्लिकेटेड, जेरोधा में मत करना, तुम ट्रेडिंग ये यूज करो, सबसे बेस्ट है ट्रेडिंग व्यू, बेस्ट ट्रेडिंग व्यू है, वहां पे सब कुछ मिलेगा, फीचर्स जबरदस्त है ना इसका, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ ट्रेडिंग व्यू यूज करना, ठीक। और जानते हो ये जो पॉइंट्स यहाँ मिला है गाइस, ये ओनली लियो मेंबर्स कैप्चर कर सकते हो, आप ही लोग कैप्चर कर सकते हो, और जिस दिन कैप्चर करोगे उस दिन मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस थैंक यू मैसेज कर देना, ठीक है। इतना ही कैप्चर चाहिए, जब इतना बड़ा मूव होगा ओनली लियो मेंबर्स ही कैप्चर कर सकते हैं, इतना याद रखना गाइस। वाइबर्ट कहाँ चला गया, क्या हो गया ये सब था नहीं, बहुत कुछ चेंजेस किए लोग, बीच में पाइवट कहाँ चला गया इसका, पाइवट कहाँ है, S1 कहाँ है, सब कहाँ है, पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड थोड़ा अभी अपडेट किया है, अपडेट किया है इसलिए चेंज हुआ। देखो ना S2 के बाद R3, S1 कहाँ है, S1 कहाँ है, P पाइवट कहाँ है, ये सब कहाँ है, क्या है? अभी अपडेट, ये अपडेट होने के बाद अभी बहुत कुछ इशू दे रहा है, अभी आया, छोड़ो अभी आ गया, अभी आ गया, वो शायद 200 पॉइंट के लिए ऐसा हो रहा था, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है छोड़ो। देखो गाइस अभी आप लोग देखो, अभी आप लोग देखो यहाँ पे 17 मई को जो मूव हुआ था ना, ओनली एंड ओनली लियो मेंबर्स मींस आप लोग ही कैप्चर कर सकते हो, ऐसा जब भी मूव आएगा कभी भी होगा ये ओनली आप ही लोग कैप्चर कर सकते हो विद द गोल्ड माइन स्ट्रेटेजी। ओके, जैसे देखो अगर मार्केट में ये ऊपर दिखा रहा है, प्रीवियस डे हाई ब्रेक करेगा, एक मार्केट पुलबैक देगा ही देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो जो मार्केट एक सेंटीमेंट दिया, 18 मूविंग एवरेज सपोर्ट तो नहीं दिया, लेकिन किसको दिया, पाइवट को दिया है, प्लस 200 मूविंग एवरेज को दिया है, ठीक है। मार्केट देखो उसके बाद क्या हुआ, आप बोलोगे सर ये सब कैप्चर कर सकते हो, इजीली कैप्चर कर सकते हो, डू यू नो कितना पॉइंट है ये, डू यू नो कितना पॉइंट है ये, सिंपल मेथड है गाइस। लियो मेंबर का आप लोग कंफ्यूज नहीं करता, 50 एंट्री नहीं देगा आप लोगों को, वो जब भी देगा परफेक्ट एंट्री देगा, ठीक है। 80% भी एक्यूरेट आप लोग रहोगे तब भी आप बहुत प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है। जरूरत नहीं 100% कोई चीज नहीं, 900 पॉइंट आसपास दिया, मतलब आप लोग प्रीमियम में आप ट्रेड करोगे या आसपास आप लोगों को कहीं पता है कितना देगा, 0.5 मीन 400 पॉइंट्स आप लोग को आराम से इजीली मिल जाएगा, ठीक है, 400-500 पॉइंट। और एक दिन दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये जो लोग स्मार्ट लोग हैं वो लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे देखो फिर से एंट्री हुआ है, इसको ब्रेक किया, बूम, ठीक है। यहाँ पे देखो 21 मई का दिखा रहा हूँ मैं लोग, 21 मई को देखो यहाँ पे मिल गया, 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट दिया है, अगेन पाइवट को पुल बैक, बूम बूम बूम, दिख रहा है। यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी देखो आप लोग, यहाँ पे देखो, अच्छा नीचे के साइड बिलो साइड में दिखाया है, यहाँ पे भी दिखाया सर आप लोग एंट्री कर सकते हो, कर सकते हो, कब करोगे, पुल बैक मिल जाए, एंट्री तो दिखाया, पुल बैक कहाँ हुआ है, लेकिन यहाँ हुआ है, तो ये हाई को जो अगर ब्रेक कर देता
तो मैं एंट्री कर लेता। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ दिखाया, ऊपर की तरफ फिर अगेन मार्केट आया, 80 मूविंग एवरेज को पुल बैक दिया। जब तक ये हाई को ब्रेक नहीं करता है तो आई विल नॉट एंटर, ठीक है। तो देखो मार्केट में हाई को ब्रेक किया और बूम हो गया, देख रहे हो, इसमें एंट्री कर सकते। नहीं तो ये हाई को ब्रेक करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मेरा सेम डे हाई है, राइट। सेम डे हाई मतलब रिस्पेक्ट दे सकता है मार्केट, यहाँ सेम डे हाई को ब्रेक कर सकता तो यहाँ पे भी एंट्री कर सकता और मार्केट बूम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मेथड आराम से, अगर आप, मैं बोल रहा हूँ आप लोग एग्जिट कर गए होगे तो यहाँ पे इतना तो पहले ऑब्वियस बात है, आप लोग यहाँ पे कहीं एग्जिट करोगे। मैं जब गोल्ड माइन के स्ट्रेटेजी इंडिकेटर दूंगा तो आप लोग कहीं आसपास यहाँ पे आपको ब्रेक निकल जाओगे, आप लोग यहाँ पे कहीं निकल जाओगे, उसके बाद यहीं पे ही एंट्री मिलेगा आप लोग को। सेम डे हाई जहाँ से रिवर्स हुआ था वहां से एंट्री मिलेगा आप लोग। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो आराम से, यहाँ पे तो ब्रेक किया है लेकिन कहीं मेरा पुल बैक कहाँ मिला है इसके जगह, तो ये ब्रेक करेगा तो एंट्री करूंगा। यहाँ पे देखो नहीं हुआ, इस जगह पे देखो दिखाया पुल बैक हो गया, मैं एंट्री कम किया, यहाँ पे एंट्री किया, बूम 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 चला गया, उड़ गया ऊपर। तो ऐसे ही सिंपल है गाइस, ज्यादा कुछ नहीं। आप लोग जब देखोगे ट्रेड करोगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी बस प्रैक्टिस करो, देखो, ठीक है। जब मैं आपको इंडिकेशन बता दूंगा, सारे सारा स्ट्रैटेजी बता दूंगा, तो आराम से होल्ड करना, बैठना, होल्ड करके ये सब चीज सीख जाओ, ठीक है। अभी बस आप लोग प्रैक्टिस करो। अभी और कोई डाउट डाउट है गाइस? नहीं नहीं नवीन, देखो न्यू इंडिकेटर जो है उसमें क्या करना है, तुमको 18 मूविंग एवरेज लगाना है, ठीक है। उसमें सेम टू सेम आएगा, ठीक है, उसमें तुमको ये इंडिकेटर के साथ लगाना है, ओके। 18 मूविंग एवरेज उसे इंडिकेटर के साथ ऐड करोगे। रुको आज तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट गाइस। जो भी डाउट है गाइस क्लास के रिलेटेड यहाँ पे पूछा करो, प्लीज डोंट मैसेज की आप लोग को क्या इशूज हो रहे हैं, क्योंकि वो पर्सनली मैसेज करोगे तो टीम आपको हेल्प कर देंगे। यहाँ पे वो नहीं अच्छा लगता है ना, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव माइंड के साथ आते हैं, राइट। हाँ उदंत उदंत, ठीक है, तुम ये सब मत करो, वो टीम आपको भेज देंगे आपको, वही आपको जहाँ जिस ग्रुप में आप लोग कम्युनिटी में है वहां पर आपको मिल जाएंगे। रुको एक मिनट, रुक जाओ आदित्य, मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे को मिल नहीं रहा है, रुक जाओ। हाँ आदित्य बोलो। हाँ सर, एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा था कि मुझे थोड़ा ये इंडिकेटर्स में प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब जब मैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर जाता हूँ तो वहां पर जो अलग अलग इंडिकेटर्स दिए हुए हैं तो मैं वो लगाने का कोशिश करता हूँ, तो मुझे वो सब ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं जो आप मतलब यूज कर पा रहे हैं, जैसे कि आपने ये पाइवट फिबोनाची लगाया है, तो हाँ हाँ मुझे देखो वो तुमको कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है। बता रहा हूँ आदित्य, जो तुमको स्क्रिप्ट मिलेगा वहां पे जाना है, पाइन एडिटर पे जाना है, ठीक है। वहां पे जाके डायरेक्ट तुम पेस्ट कर दो, ठीक है। जाकर तुम पेस्ट जब कर दोगे वहां पे तुमको आर टू चार्ट कर दोगे तो लियो सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद तुमको इंडिकेटर पे आना है, आके तुमको जैसे मैं बताया ये सब चीज सर्च करना है वहां पे आके, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, ये जो पॉइंट है वो लिख लो। लिखने के बाद तुम उसको सर्च करो, सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। अगर मैं जैसे ये लियो इंडिकेटर लगाए बिना अगर मैं इंडिकेटर्स में सर्च करता हूँ मूविंग एवरेज तो नहीं मिलेगा क्या ये ऑप्शन, मूविंग एवरेज ना, वही तो सर्च करना पड़ेगा, सर्च में मिल जाएगा। नहीं नहीं मिल रहा सर, इसमें सर्च ऑप्शन ही नहीं है मेरे उसमें कहां, क्यों लैपटॉप नहीं है? देखो यहाँ में पे तुम इंडिकेटर। बता रहा हूँ, बता यहाँ पे हाँ देखो, यहाँ पे जो ऊपर है कंपेयर होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर टेम्पलेट है सर मेरे में, कौन सा आप यूज करते हो? tradingview.com सर। हाँ तो इंडिकेटर होगा, इंडिकेटर तो होगा, कैसे नहीं होगा। टेम्पलेट्स नहीं, टेम्पलेट पे क्लिक मत करो तुम, इंडिकेटर्स पे क्लिक करो, ठीक है। एफएक्स वहां पे इंडिकेटर इंडिकेटर तो नहीं लिखा होगा, तुम्हारे जो मोबाइल में या लैप में देख रहे होगे, अच्छा हम एफएक्स है। इंडिकेटर इंडिकेटर नहीं लेके एफएक्स लिखा होगा, एफएक्स, हाँ एफएक्स है सर, हाँ एफएक्स, एफएक्स में जाके ओके क्लिक, हाँ ठीक है, उसमें क्लिक करोगे ओके तो तुमको मिल जाएगा। मूविंग एवरेज, ओके सर। यही मतलब यही छोटा छोटा बात से मतलब समझने के बाद भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं नहीं कोई कर नहीं पा रहे कोई नहीं, छोटा क्योंकि डाउट ही पूछो, सब चीज क्लियर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, है ना।
कोई नहीं राहुल, ठीक है, इट्स ओके। बस ये सब चीज अच्छा नहीं लगता क्लास में, है ना? डोंट वरी अबाउट इट, इट्स ओके, इट्स ओके। ओ सर, इसमें कह रहा है कि अगर मूविंग इंडिकेटर्स लगाना है एवरेज, तो वो यू हैव टू गो फॉर 30 डे फ्री ट्रायल। साइन इन कर लो, 30 डे कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं, अगले महीने भी वो रहेगा, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक ओके ओके है, ठीक है, ठीक है, चलो ओके सर, थैंक तुम ये सब चीज करो, ये सब ये, ठीक। और जिसको जो डाउट है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं गाइस, हर एक डाउट क्लियर होगा, ऐसा कोई नहीं। आप लोगों में कुछ भी पूछ रहे हो तो मेरे को छोटा छोटा चीज भी जानना जरूरी है, क्लास रिलेटेड पूछो, ताकि अच्छा मजा आए, लोग को सीखने में मजा आए। ये सब चीज, अरे अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, ये सब चीज लोग को सुनने में अच्छा नहीं, मतलब मेंबर्स को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, यस यस राहुल, ऐसा कुछ नहीं है, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं तो एक एक करके पढ़ता हूँ, रुको। क्या है, हाँ, अम्लान देखो क्या होता है, प्रीमियम में क्या होता है ना, पहले ध्यान रखो, ये साइकोलॉजी वाला चीज है, मैनुअल वाला चीज है। मैं स्टॉपलेस लगाऊंगा प्रीमियम चैट में, मैं प्रीमियम चैट में अगले फर्स्ट क्लास में भी बताया हूँ आप लोग को, फिर भी मैं बताऊंगा प्रीमियम क्लास में, जो अगले क्लास में स्टॉपलेस टारगेट बताऊंगा ना, उसमें अच्छे से बताऊंगा आप लोग को। उसमें क्या है ना गाइज, जब भी मैं स्टॉपलेस लगाऊंगा, मेरे को पता होना चाहिए मैं स्पॉट चैट के हिसाब से लगाया ना, कि प्रीमियम के हिसाब से। अगर मैं स्पॉट चार्ट में मेरा स्टॉपलेस हिट नहीं हो रहा और प्रीमियम वहां पे हिट हो गया, तब तो वो प्रॉब्लम होता है। इसीलिए प्रीमियम को क्या, जब भी स्टॉपलेस लगाओ, थोड़ा सा नीचे लगाने की कोशिश करना, है ना? गुड इवनिंग विकी, ठीक है, प्रीमियम चार्ट में नीचे लगाने की कोशिश करना, वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। यस यस, आफ्टर लियो सिग्नल देन हाई और लो ब्रेक देन ओनली ब्रेक बाय, क्या समझ नहीं आया? देखो, अगर रीटेस्ट कर गया उसके बाद हाई ब्रेक करेगा या लो ब्रेक करेगा तो एंट्री कर सकते हो। एसएलएम ऑर्डर, हाँ एसएलएम ऑर्डर लगा देना, लिमिट पे जैसे होता है वो देख लेना, ठीक है। हाँ देखो, 200 मूवी एवरेज है ना जो, वो एक बार देख लेना दिन में, स्टार्टिंग में देख लेना कि 200 मूवी एवरेज कहाँ है, नीचे है ऊपर है। जब भी तुम देखो, तुमको दिमाग में है, तुम लिख लेना एक पेपर में, नहीं तो भूल जाओगे। पेपर में लिख दिया कि 200 मूवी, जो लोग फ्री मेंबर्स, जो लोग फ्री रेडी में यूज कर रहे हो, जो लोग बस नहीं ले सकते प्रीमियम, उन लोग के लिए बता रहा हूँ। अगर 200 मूवी एवरेज लगा दिए, आप लोग लगा कि 200 मूवी एवरेज नीचे है, ठीक है, तो क्या करोगे, लिख लेना कि 200 मूवी एवरेज नीचे है। जब भी नीचे के साइड में एंट्री लोगे, तो समझ में आना चाहिए 200 मूवी एवरेज नीचे था, तो उसके बाद कोई भी इंडिकेटर को ऑफ करके 200 मूवी एवरेज लगा देना, है ना? यस यस राहुल, डोंट वरी अबाउट इट, मैं वैसे ही लिया, कोई दिक्कत नहीं, बस मेंबर को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कब तक मिलेगा? मिल जाएगा, अभी आप लोग को शायद स्क्रिप्ट भेज दिया जाएगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, लोग ना सॉफ्टवेयर लेते के साथ कल से गलती करने लग जाएंगे। एक मेंबर है, वो उनका बस एक ही बैच हुआ था, वो जाके इंडिकेटर से लाके एंट्री कर दी, वो गलती हो गया, ठीक है। इसीलिए अगले क्लास में थोड़ा सा ये हो जाए, मैं टीम से बात करता हूँ, टीम को बोलता हूँ आप लोग को आज दे देना, नहीं तो बाद में देने के लिए। 200 मूवी एवरेज मतलब 200, वही चीज जैसे मैं बताया यहाँ पे, देखो अगर मैं इस चीज को देखूँ, कोई अगर मूवी एवरेज में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मूवी एवरेज यूज कर रहा हूँ, ये 18 के जगह मैं इसको 200 कर दूंगा, ठीक है, मैं जब इसको 200 कर दूंगा, ये हो जाएगा 200 मूवी एवरेज। और 200 मूवी एवरेज है क्या, 200 कैंडल का एवरेज, परफेक्ट परफेक्ट हमला, परफेक्ट। स्मार्ट मेंबर्स भी हैं सर, मैं बताऊंगा अगले ईयर में, बताऊंगा आप लोग को कैसे स्टॉपलॉस लगाओगे, कैसे टारगेट लगाओगे, मैं बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैं अगले क्लास में जब बताऊंगा, तो मुझे एक बार अभी के लिए लियो इंडिकेट एमए शुड बी ऑन क्लोजिंग बेसिस, नहीं समझा प्लीज।
अरे नवीन रुक जाओ थोड़ा, तुम जो पहले पहले वाला जो तुमको मिला है वो वाला वर्जन पे ट्रेड करो, नया वाला मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। पुराना वाला भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं है, उसमें तो इतना, उसमें तुम 10 प्रॉफिट किए हो, 3 लॉस किए हो ना, अब क्या नया वाला मिलेगा तो उसकी जगह 12 प्रॉफिट करोगे, 1 लॉस करोगे। प्लीज। हाँ प्रकाश बोलो, क्या डाउट है? देखो व्हाट इज डिक्के, डिक्के कुछ नहीं है, डिक्के नहीं है वो, प्रीमियम डिक्के है, प्रीमियम डिक्के, ऐसा DECAY, प्रीमियम डिक्के, उसको बोले थीटा, ठीक है, थीटा डेल्टा गामा वो सब चीज हम लोग, ये सब चीज जाने की जरूरत नहीं है, प्रीमियम डिक्के जो थीटा है वो अगले क्लास में बताऊंगा आप लोग को, फर्स्ट क्लास में ही बताया था लेकिन कोई नहीं, फिर से मैं बता दूंगा प्रीमियम डिक्के क्या होता है, क्यों होता है वो चीज मैं बता दूंगा। अभी बस आज बेसिक्स है, बस आज थोड़ा मस्ती करो, फन करो, जो जो क्वेश्चन डाउट है वो सब पूछा करो, बस जो आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है वो पूछो, अगली क्लास में फिर सीरियसली हम लोग एक एक करके जाएंगे। क्लोजिंग नहीं, ऐसा देखो यहाँ पे देखो जो सेटिंग्स में बताया वहां पे देखो, क्लोजिंग बेसिस ये सब कुछ था नहीं, यहाँ पे देखो सेम आ चैट, सोर्स को क्लोज ही रखो, ठीक है, सोर्स को क्लोज रखो। गुड गुड, ये बैंक निफ्टी निफ्टी में हम लोग आराम से सब में ट्रेड करोगे, बैंक निफ्टी निफ्टी की जरूरत नहीं है, ऐसा ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए सब जगह। नहीं, ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड करने का तो मेरे को तो आइडिया नहीं है उतना, ट्रेडिंग व्यू में डेमो है, डेमो जरूर है, मतलब आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे ऐसा कर सकते हो प्रैक्टिस लाइक दिस सी, अगर आप लोग को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा मन में तो आप लोग ऐसे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लोग कुछ शायद आप लोग को मिलेगा कुछ समथिंग सम डॉलर मिलेंगे यहाँ पे, तो आप लोग ऐसे करके यहाँ पे जाओगे लाइक ट्रेड कर सकते हो, सेल बैंक निफ्टी बाय बैंक निफ्टी ऐसे करके ट्रेड कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लोग बाय करने जाओगे तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा ट्रेड ऑप्शन, नो ब्रोकरेज, पेपर ट्रेडिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है, ये पेपर ट्रेडिंग कन्वर्ट करोगे तो आप लोग यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। विकी हम लोग इतना डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है, वो अगले क्लास में बताऊंगा, बस ऐसे ही नॉर्मली बता रहा था कि आप लोग कैसे क्या करोगे, अगले क्लास में सेटिंग्स स्क्रिप्ट जो है वो अगले क्लास में मिलेंगे, अभी मैं सोच रहा हूँ अभी नहीं दूं क्योंकि लोग गलती करेंगे, मेरे को पता है बहुत गलती करेंगे, एक दो लोग बस हड़बड़ी में है कि मेरे को चाहिए करके, अभी मैं सोच रहा हूँ नहीं दूं क्योंकि अगले क्लास में दूंगा ताकि आप लोग को प्रैक्टिस करने में ईजी हो, नहीं तो जाके आप ट्रेड कर लोगे। ये क्या है मैं नहीं समझा, रेजिन एसिडी स्पोर्ट नहीं बताया प्लीज, ये क्या है मैं नहीं समझा, ये क्या है? हाँ संडे को, हाँ यस परफेक्ट संदीप परफेक्ट, सैटरडे को आप लोगों को मिल जाएगा क्लास, सैटरडे क्लास में तो आराम से संडे करना, संडे मंडे संडे आराम, सैटरडे संडे प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। ये क्या होता है रागिड रिजिड एनएसिडी, व्हाट इज दिस, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये मेरे को दिख रहा है रेजिडेंस सपोर्ट, अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट, वो तुम फर्स्ट क्लास किए राहुल, फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर देखना, ठीक है, हाँ फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताया गया रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है, क्या एटीट्यूड हो गया बार बार ऐसे क्यों, थैंक यू अमरन थैंक यू, कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं, अब एक एक करके तो सारा चीज समझेंगे ना, कोई नहीं, जो लोग का डाउट था कि टीम मैसेज नहीं कर रहे मैं जरूर उनसे बात करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, उसमें ऐसा नहीं है कि सबको रिप्लाई नहीं जाता, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, देखो अभी तक इतने मेंबर्स हम लोग इतना बैच हो गया है तो एक कंप्लेन कभी नहीं आया था, जितना भी रिकॉर्डिंग देखो ऐसा कोई क्लास में आके कोई बोला नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, सबको परफेक्ट ये मिला है, सबको हेल्प मिला है, सबको परफेक्ट मिला है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बोले बहुत बिजी के चक्कर में, अभी देखो नया बैच जो ज्वाइन है बहुत मेंबर ज्वाइन किया, ठीक है, इस इतना हड़बड़ी में सब चीज में वो हो गया होगा, आप लोग ठीक से मैसेज नहीं किए होंगे, कोई रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा नहीं तो सबका बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब फोन फोन नहीं उठा पाएंगे कोई, फोन आपको करना है तो एक नंबर दिया जाएगा उसमें मैसेज करो, ओनली आप व्हाट्सएप कर सकते हो, फोन आपको पहले पूछे क्योंकि बहुत सारे नंबर है ना, कॉल के लिए अलग मेंबर हैं जिसमें बात कर सकते हैं, वो सेल्स टीम में है, सेल्स टीम वाले आपसे उनसे आप बात करिए क्या फायदा,
आप टेक्निकल टीम से बात करना पड़ेगा, है ना। कॉल के लिए वहां पूछा करो सर किस पे बात करूं, तो वो नंबर देंगे तो उस पे बात कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास सर थोड़ा पहले से बताने से कोई दिक्कत है, मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। क्योंकि आप लोग याद रखो थर्सडे सैटरडे को मैक्सिमम टाइम वो उस टाइम में फिक्स होता है क्लासेस, ठीक है। अगर सैटरडे को क्लास नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं, 4 घंटे पहले इन्फॉर्म, 3 4 घंटे पहले इन्फॉर्म हो जाएगा क्लासेस नहीं हो पाए। नहीं तो इतना याद रखो थर्सडे सैटरडे पक्का क्लासेस होंगे ही होंगे, और जब भी ज्वाइन करोगे तो उसके 4 दिन बाद ही क्लासेस होंगे। जैसे थर्सडे को हो गया, उसके बाद सैटरडे को हम लोग का क्लास होगा, उस दिन हम लोग टारगेट स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है, और भी बहुत कुछ सीखेंगे, न्यू स्ट्रैटेजी का ये सब चीज सीखेंगे। ये कौन कर रहा है, और कोई डाउट गाइस? नहीं तो आज के लिए इतना ही करेंगे, इतना है आज मीटिंग, इतना रख देंगे, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। 18 मूविंग एवरेज, 18 मूविंग एवरेज रखोगे, 200 मूविंग एवरेज नहीं रखोगे, 200 मूविंग एवरेज। बस आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट जानने के लिए अच्छा रहेगा, 200, जब भी ट्रेड करोगे 18 मूविंग एवरेज रख के ट्रेड करना, 200 मूविंग एवरेज पे समझ नहीं क्या ये हो रहा है, ये ऐसा क्यों सिलेक्ट कर दिया जा रहा है। ओके हाँ 18 मूविंग एवरेज ही लगा दें। ठीक है, ओके गाइस, आई होप आप लोग कुछ कुछ सीखे आज, सिंपल मेथड हम लोग जो बताया, ज्यादा कुछ नहीं, ट्रेड आज मेन मोटिव था कि ट्रेड साइकोलॉजी के ऊपर बात करें, वो साइकोलॉजी आप लोग समझ गए होगे, अपने पेन पेपर में लिख लिए होगे आप लोग, और नेक्स्ट टाइम से जब भी ट्रेड करने जाओगे, कभी भी ट्रेड करोगे, वो सब चीज नोट करके ट्रेड करोगे, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय गाइस, गुड नाइट। सो व्हाट इज यूज ऑफ 18 मूविंग एवरेज? वही है, 18 मूविंग एवरेज का हम लोग ये करके सॉफ्टवेयर जो क्या बोलते हैं उसको टच करके जाएगा। अभी नहीं मिलेगा, सैटरडे के बाद मिलेगा आपको तो सॉफ्टवेयर। यस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आप लोग, रिकॉर्डिंग मैं बोल देता हूँ टीम को अभी, ठीक है, आज रात तक, नहीं तो कल सुबह तक मिल जाएगा आप लोग, कल सुबह या कल इवनिंग तक मिल जाएगा, मैं ट्राई करता हूँ आज ही करवा देने के लिए। और रिकॉर्डिंग क्या होता है कि अभी सेव होने में टाइम लगेगा ना, इसीलिए। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।